हाय स्टूडेंट्स, फिर से एक बार ट्वेल्थ के वेक्टर अलजेब्रा के साथ हम लोग हाजिर हो गए हैं। तो आज अब पिछले क्लास में आपने पढ़ा सदिशों के प्रकार के बारे में और बहुत सारी बातें, और आज टाइप मैं बतलाना शुरू करूंगा। तो आज का फर्स्ट टाइप है वेक्टर अलजेब्रा ट्वेल्थ का, सदिशों का परिमाण ज्ञात करना, कि सदिशों का परिमाण कैसे ज्ञात किया जाए। ये टाइप वन है, मैं एक बताऊंगा और एक आपके लिए दे दूंगा बनाने के लिए। सदिशों का परिमाण कैसे ज्ञात किया जाए, कोई मान लीजिए कि एक वेक्टर दिया है कि वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और इसका परिमाण ज्ञात करना है। आपको बतलाया गया है कि वेक्टर के परिमाण को ऐसे लिखा जाता है, मोड लगा दीजिएगा तो मान लिया जाता है कि हाँ यह क्या हो गया, आपका परिमाण हो गया। इस परिमाण को ज्ञात करने का सूत्र आप अगर पिछले वीडियोस को देखे हैं तो उसमें बताया गया कि अगर मान लीजिए कि कोई वेक्टर दिया गया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप जेड के कैप, और इसका मोड निकालना है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। मतलब आई के जो बगल में है उसका स्क्वायर प्लस जे का बगल में जो है उसका स्क्वायर, और जो के की बगल में है उसका स्क्वायर है, तब सबका रूट कर देंगे। ठीक वही सूत्र यहाँ भी लग रहा है। यहाँ आई के बगल में दो है, दो का स्क्वायर, जे के बगल में तीन है, तीन का स्क्वायर, लेकिन यहाँ के बगल में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है, तो एक का स्क्वायर। अब यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे तो दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, तीन का स्क्वायर नौ हो जाएगा, और एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 14। ये रूट अंडर 14 इसका क्या हो गया, परिमाण हो गया। आप ये समझ चुके हैं कि अगर कोई वेक्टर दिया रहे जैसे वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और इसका मोड निकालना है तो यहाँ i के बगल में 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ k के बगल में 1 है 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब कैलकुलेट करने पर रूट अंडर 14 इकाई आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप जान गए हैं एक टाइप बनाने के लिए। आप इसको बनाइएगा, अपना से निकालिएगा, b बराबर 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 4k कैप, सेम प्रोसेस यही है। अब इस तरह से आप परिमाण, मुझे आशा है कि आप निकाल लिए होंगे, आप इसको निकाल लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ। दूसरा टाइप आपका है कि किसी सदिश का प्रारंभिक बिंदु दिया गया है 2, 1 है, और अंतिम बिंदु -5 और 7 है। तो इस सदिश का सदिश घटक और अदिश घटक ज्ञात करें, अर्थात दो बिंदु दिया गया है, और दो बिंदु दिया गया है तो उसका सदिश घटक भी ज्ञात करना है और उसका अदिश घटक भी ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहला आपका काम है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाले उस वेक्टर को हम ज्ञात वाले कर लें। तो ये दो बिंदुओं से होकर इन दोनों बिंदुओं को बतलाने वाले सदिश पहले ज्ञात करते हैं, फिर उस सदिश जब ज्ञात हो जाएगा तो उसका सदिश घटक भी ज्ञात हो जाएगा और उसका अदिश घटक भी ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं कि प्रारंभिक बिंदु लिखेंगे, दिया गया है कि प्रारंभिक बिंदु जो है x1 y1 का मान दिया है 2, 1, और इसका अंतिम बिंदु x2 y2 का मान दिया है -5 और 7। अतः इन्हें दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाले सदिश मान लेते हैं वेक्टर a। सूत्र होता है x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप, अगर जेड वाला भी रहता तो z2 - z1 हो जाता, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, x निर्देशांक है और y निर्देशांक है। तो चलिए अब यहां से हम सीधे सूत्र पुट करते हैं। यहां x2 का मान -5 माइनस x1 का मान कितना है 2 है, यहां देखिए y2 का मान कितना है 7 है, y1 का मान कितना है 1 है। कैलकुलेट -7i कैप प्लस 6j कैप। क्लियर, ये आपका वेक्टर a हो गया। अब इस सदिश का
अब लिखना है सदिश घटक और अदिश घटक के बारे में कि इसका सदिश घटक क्या होगा और अदिश घटक क्या होगा। तो इसके सदिश घटक में का आंसर हो जाएगा यह -7i कैप और 6j कैप, ये आपका सदिश घटक हो जाएगा। यहां लिख देते हैं, यहां इसका सदिश घटक अगर पूछा जाए तो सदिश घटक का मान हो जाएगा -7i कैप और दूसरा 6j कैप, और इसका अदिश जो घटक हो जाएगा, जो इसका अदिश घटक हो जाएगा -7 और 6। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, जब सबसे पहले दो बिंदु दिया गया है तो दोनों बिंदुओं से होकर सबसे पहले हम उस वेक्टर को देख लेते हैं जो दोनों बिंदुओं से होकर गुजर रही है। अब उस वेक्टर का सूत्र क्या होता है जो दोनों बिंदुओं से गुजरे, कि x2 - x1 i कैप y2 - y1 j कैप। अब x2 x1 y2 y1 का मान हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद यहाँ जो हमें प्राप्त हो रहा है, यहाँ प्राप्त हो रहा है -7 i कैप 6 j कैप। अगर इसका सदिश घटक लिखना है तो यह एक सदिश घटक हो गया, यह एक सदिश घटक हो गया। लेकिन अगर इसका अदिश घटक लिखना है तो इसमें हम हटा देंगे जो i कैप j कैप या k कैप जो होता है उसको हम हटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, सिर्फ अदिश घटक के रूप में -7 और 6 हो जाएगा। सदिश के रूप में लिखेंगे, सदिश घटक के रूप में लिखेंगे तो i और j को सम्मिलित करते हुए लिखेंगे। इस प्रकार से आपका यह टाइप हो गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइप में कि नेक्स्ट टाइप में हम लोगों को क्या पढ़ना है। देखिए चलिए, अब नेक्स्ट टाइप है सदिशों का योगफल ज्ञात करना, कि सदिशों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाए। सदिशों का योगफल, इसमें आपका दो सदिश ही नहीं रहेगा, इसमें दो हो सकता है, दो सदिश हो सकता है, दो से अधिक सदिश हो सकता है, कितना भी सदिश होगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोड़ना है जैसे आप एडिशन करते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी, सभी वेक्टर को जोड़ना है, सभी का मान यहाँ पुट कीजिए और मान निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 2i कैप j कैप k कैप, वेक्टर ए का मान हो गया, वेक्टर बी का मान -2i कैप + 4j कैप + 5k कैप हो गया। फिर यहाँ से वेक्टर सी का मान हो जाएगा कितना, क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, जब आपको जोड़ना है तो i वाला एक साथ जोड़ दीजिए और j वाला एक साथ, k वाला एक साथ, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, i कैप को बाहर लिखिए और यहाँ i कैप के बगल में कितना है, एक है, यहाँ i कैप के बगल में -2 है, यहाँ i कैप के बगल में एक हो गया। अब प्लस j कैप लिखिए, अब j के बगल वाला लिखिए, j के बगल में -2 है, यहाँ 4 है और यहाँ पर -6 है। फिर आप k वाला लिखिए, k वाला अगर आप लिखते हैं तो यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ कितना है, 5 है, और फिर यहाँ k के बगल में -7 है। अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ 1 1 2 2 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 0 0 आई कैप यहाँ देखिए 4, यहाँ -2 - 6 मिलकर -8 हो गया, -8 में से 4 गया तो कितना हो गया, यहाँ 4 में से -8 जाएगा तो -4 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 5 1 5 1 कितना हो जाएगा, 6 6 में से 7 गया तो -1 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये तो इसका तो 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, बचा -4j कैप - k कैप। इसको उतार लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे। चलिए हम लोगों का नेक्स्ट टाइप है कि किसी सदिश के अनुदिश एकमात्रक सदिश लिखना है, ये महत्वपूर्ण टाइप है। दिया गया वेक्टर a बराबर i कैप + j कैप + 2 k कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करें। मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस वेक्टर का परिमाण आपको ज्ञात करना होता है। तो इस वेक्टर का परिमाण ज्ञात करने के लिए आप क्या कीजिएगा, आपको बताया गया है परिमाण कैसे ज्ञात किया जाता है। इसका परिमाण ज्ञात करना है
रूट अंडर, फिर वही एक्स नियामक का स्क्वायर, वाई नियामक का स्क्वायर और जेड नियामक का स्क्वायर कीजिएगा, परिमाण निकल जाएगा। एक एक और एक चार, रूट अंडर कितना हो गया, छ हो गया। अब आपको निकालना क्या है कि इस सदिश के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, मात्रक सदिश का सूत्र होता है, अगर एक एप निकालना है, एक एप बराबर वेक्टर ए अबटा मोड वेक्टर ए होता है। मतलब किसी सदिश में उस सदिश के परिमाण से भाग दे दिया जाए तो वह जो प्राप्त होता है वह मात्रक सदिश ही होता है। तो चलिए मान पुट करते हैं, वेक्टर ए का मान जो है रहने दीजिए। अब यहाँ इसका परिमाण रूट अंडर छ है, बाय पार्ट कर दीजिए, अलग अलग इसको लिख दीजिए। यहाँ आई के बगल में कुछ नहीं है तो एक है, एक बटा रूट अंडर छ आई के, एक बटा रूट अंडर छ जे कैप, दो बटा रूट अंडर छ के कैप, ये आपका इकाई सदिश हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर कोई सदिश दिया है और उसके अनुदिश कोई मात्रक सदिश निकालना है तो सबसे पहले उस सदिश का परिमाण निकालते हैं। परिमाण निकालने का सूत्र आपको बताया गया है, कैसे बताया गया है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस पर रूट अंडर छ आ गया आपका परिमाण। उसके बाद आपको इस सदिश के अनुदिश मतलब इस सदिश के दिशा में एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो मात्रक सदिश ज्ञात करने, मात्रक सदिश को लिखा जाता है इकाई सदिश इसको बोलते हैं, मात्रक सदिश को एक ऐप से सूचित किया गया जाता है। अब पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया गया था, यदि आपने आप मात्रक सदिश के बारे में नहीं जानते तो डिटेल्स में जानने के लिए पिछले वीडियोस को देखिए। अब यह जो मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश बराबर होता है कि कोई कि जिस सदिश का मात्रक सदिश ज्ञात करना है होता है उस सदिश को ऊपर लिखते हैं और उसके मोड को अर्थात उसके परिमाण को नीचे लिखकर भाग देते हैं। अब यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं कि वेक्टर ए का मान बैठा दीजिए, यहाँ मोड वेक्टर ए का मान बैठा दीजिए, उसके बाद इसको फ्रैक्शन कर दीजिए। यहाँ भिन्न के रूप में इसको लिख सकते हैं आप, एक बटा रूट अंडर छ आई कैप, यहाँ जे के बगल में कुछ नहीं है तो एक है, एक बटा रूट अंडर छ जे कैप, यहाँ दो बटा रूट अंडर छ के कैप। इस प्रकार से आपका वेक्टर ए के दिशा में, वेक्टर ए के दिशा में मात्रक सदिश आपका क्लियर हो गया। फिर देखते हैं एक अगले टाइप की तरफ कि अगला टाइप क्या है। चलिए एक आसान सा टाइप, सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, जहाँ पी का निर्देशांक दिया है और क्यू का निर्देशांक दिया है। यदि दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया है, जैसे P बराबर 1, 2, 3 दिया है, यहाँ Q बराबर 4, 5, 6 दिया है, और पहले सबसे पहले मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए आपको वेक्टर ज्ञात होना चाहिए, तो यहाँ PQ का वेक्टर ज्ञात करना है। तो PQ का वेक्टर ज्ञात करना है तो सबसे पहले इस निर्देशांक में से इस निर्देशांक को घटाइए, 4 घटाओ 1 आई कैप, 5 घटाओ 2 जे कैप और 6 घटाओ 3 के कैप, और आपका हो गया 3i कैप 3j कैप 3k कैप। अब वेक्टर के रूप में जब आ गया तो इकाई सदिश या मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए बताया गया कि आपको सबसे पहले मोड निकालना होगा, परिमाण निकालना होगा। परिमाण निकालने के लिए रूट अंडर एक्स का एक्स निर्देशांक का स्क्वायर, वाई निर्देशांक का स्क्वायर और फिर यहाँ जेड निर्देशांक का स्क्वायर हो जाएगा। ये 9, 9, 9 रूट अंडर 27 का वर्गमूल जानते हैं, 3√3 हो जाता है। तो इस प्रकार से आप PQ का परिमाण निकालिए 3√3। इसके बाद देखिए, अब आपको तो इकाई सदिश निकालना है, इकाई सदिश या मात्रक सदिश का सूत्र जानते हैं, इसी सूत्र पर होगा वेक्टर PQ अबटा में PQ वेक्टर का परिमाण। अब PQ वेक्टर का मान लिखिए, PQ वेक्टर का मान कितना है, हाँ 3i कैप 3j कैप 3k कैप बटा 3√3। अब आप एक लाइन यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, इसके बटा इतना करेंगे, सब में से 3 कट जाएगा, सबके नीचे से सब इसका अगर इसको अलग कीजिएगा 3i कैप बटा 3√3, फिर इतना बटा इतना प्लस इतना बटा इतना, तो सब में से 3 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ रूट अंडर 3। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 1 बटा रूट अंडर 3 आई कैप, 1 बटा रूट अंडर 3 जे कैप,
एक बटा रूट अंडर थ्री के कैप, और इस प्रकार से ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं कि पी का निर्देशांक क्यू का निर्देशांक दिया गया है और पूछ रहा है कि वेक्टर पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश कितना होगा। तो मात्रक सदिश निकालने के लिए सबसे पहले आपको वेक्टर निकालना जरूरी है। वेक्टर कैसे निकालिएगा? वेक्टर निकालने के लिए आप सूत्र जानते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप पर आपने निकाल दिया इसका वेक्टर। ये थ्री डायमेंशनल वेक्टर को ऐसे निकालते हैं, टू डायमेंशनल में सिर्फ होता है एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू और वाई टू माइनस वाई वन का जे कैप। लेकिन अब थ्री डायमेंशनल में ये थ्री डायमेंशनल हो गया, त्रिविमीय हो गया, तो ऐसी स्थिति में इस एक्स निर्देशांक को घटाकर आई कैप, फिर इसके जे निर्देशांक को घटाकर वाई निर्देशांक को घटाकर जे कैप, और फिर जेड निर्देशांक को घटाकर यहाँ के कैप किया गया है। और जब आप निकाल दिए सदिश, इसका निकाल दिए सदिश रूप में, इस बिंदु को आप सदिश रूप में निरूपित कर दिए, तो मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका परिमाण ज्ञात करेंगे। परिमाण के लिए आपको बताया गया है कि आई के बगल वाले को स्क्वायर, जे के बगल वाले को स्क्वायर, के बगल वाले को स्क्वायर कर दिया गया। इस प्रकार तीन रूट तीन आ जाएगा, और तीन रूट तीन आ जाने के बाद अब हमको इसके पी क्यू के अनुदिश, मतलब पी क्यू के दिशा में हमको ज्ञात करना है मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश ज्ञात करने का सूत्र क्या है कि वेक्टर पी क्यू बटा मोड वेक्टर पी क्यू, मतलब कि पी क्यू में अगर उसके पी क्यू के परिमाण से भाग दे दिया जाए तो मात्रक सदिश निकल कर आ जाएगा। तो वही पी क्यू और उसके बाद इसके परिमाण का मान नीचे बाइपार्ट किया गया सब में से, अगर आप देखिएगा तो सब में से रूट अंडर तीन तीन कॉमन निकल जाएगा, तीन से तीन कट जाएगा और सबके बटा में रूट अंडर से तीन ही बच जाएगा। इस प्रकार से इतना आपका आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस लगातार बन रहे हैं वो आपके आप लोगों को YouTube के माध्यम से लगातार मिलता रहे। तो इसी विश्वास के साथ कि आप मन लगाकर घर पे पढ़ रहे हैं, सुरक्षित रहें, पढ़ाई निरंतर जारी रखें, इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार मैं सुनील कुमार पांडे आप लोगों से अलविदा कहता हूँ, और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।